उधर झारखंड में कई जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 13 जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और 17 फरवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। आपको बता दें कि कल यानी कि मंगलवार को भी झारखंड के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है और कल दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई और तेज बारिश की वजह से पारा भी नीचे गिरा और इसी के साथ मौसम विभाग का येलो अलर्ट आया है। 13 जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है और 17 फरवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि झारखंड के कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। 13 जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज भी बारिश हो सकती है और 17 फरवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए। नवीन, मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया है, कल से ही बारिश हो रही थी, आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है ओलावृष्टि का। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए बिल्कुल, झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई है। कई अगर हम हिस्सों की बात करें, वहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि देखिए, राहत की बात यह रहेगी कि कई शहरों में धूप भी खिली रहेगी और ठंड से राहत मिलेगी। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार की दोपहर तक होती रही है और अगर हम तापमान की बात करें तो दिन के तापमान में 9 डिग्री तक की जो कमी है वो आई है। हालांकि तापमान अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रांची में 12 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। घने बादल लगे होने की वजह से रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद जो पारा है वो 16 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर अब हम यही कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन जो हैं वो अब मौसम विभाग ने जिस तरीके के निर्देश जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंगली अब लोगों को रहना होगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है और आपको हम ये बता दें कि 13 जिले ऐसे होंगे झारखंड में जहां पर ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम बारिश की बात करें काजल, तो बारिश देखिए 17 फरवरी तक रुक रुक कर झारखंड के कई ऐसे जिले हैं, झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां रुक रुक कर बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने व्यक्त की है। और रांची में जो मौसम विभाग के साइंटिस्ट हैं अभिषेक आनंद, अगर हम उनके अनुसार बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये पूरे राज्य में बारिश और थंडर स्टॉर्म की संभावना है। और येलो अलर्ट तो जारी किया ही गया है, इसके साथ ही मौसम विभाग ने ब्लू अलर्ट भी जारी किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो चक्रवात है उसका भी असर दिख रहा है, पश्चिमी विक्षोभ का असर ना सिर्फ झारखंड के कई हिस्सों में, झारखंड के कई जिलों में, बल्कि बिहार के कई जिलों में भी देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज जो है वो कुछ इसी तरह का रहने वाला है। जी जी नवीन, लगातार मंगलवार को भी दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई जिससे पारा भी नीचे गया है। आज फिर से ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को क्या सावधानी बरतने की जरूरत है नवीन, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है? आज सुबह से धूप देखने को मिल रही है और फिर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। लोगों को कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, ब्लू अलर्ट जारी किया है और ये भी मौसम विभाग ने वार्न किया है कि अभी ये नहीं समझना है लोगों को कि ठंड चली गई है या फिर फिलहाल अगर ठंड से थोड़ी राहत मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठंड पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ऐसे में देखिए, लोगों के लिए जो सावधानियां बरतनी है वो ये है कि अभी भी वो जो गर्म कपड़े का इस्तेमाल है वो करते रहें। और ये जो बारिश का अभी मौसम बना हुआ है, अगर इस बारिश में लोग भीगते हैं तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो बीमारी की जद में आ सकते हैं। ऐसे में अगर बारिश हो रही है तो वो अपने घरों से निकलने से परहेज करें और गर्म कपड़े का सेवन करें। अलाव की अगर व्यवस्था उनके आसपास हो सकती है तो अलाव की व्यवस्था करें, क्योंकि देखिए आमतौर पर जब ठंड के मौसम में बारिश होती है तो ये बारिश कहर बनकर टूटती है और जो लोग इसकी
हैं उन्हें गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि इस मौसम में लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। और देखिए, जब येलो अलर्ट जारी किया जाता है तो ये आमतौर पर अनुमान लगाया जाता है कि ओलावृष्टि होती है, और ओलावृष्टि के अगर दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे बीमारी होती है, सर्दी बुखार जैसी समस्याएं होती हैं। जैसा कि आमतौर पर सर्दी में ये होता है कि मौसम में बदलाव के साथ लोग जो हैं वो सर्दी जुकाम जैसी जो बीमारियां उसकी चपेट में आती हैं। तो देखिए, यही अब कहना हम चाहेंगे, और मौसम विभाग की भी जो गाइडलाइन है, लोगों को गर्म कपड़े पहनने होंगे, और इस मौसम में विशेष तौर पर अगर वो अपने घरों में ज्यादा रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। जी जी नवीन, फिलहाल इस मौसम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।